माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसके अंदर जो ना हमें ब्लॉग लगाने हैं, आज लेके आए हूं ब्लॉग। हां तो ब्लॉग ये पकड़ो, ये दो बच्चे और आ गए। हां वेरी क्या पता मुकर जाए। अरे ब्लॉग में कैसे मुकरेगा भाई? अली भाई आपको मेरे पर 10 रुपए का भरोसा नहीं है? अब देख लें, आप लोग इसको कहते थे शरीफ है, इतना मासूम सा है अली। सुबह सुबह जेबू हमारा जो है वो धूप ले रहा है, मजे की रिलैक्स हो रहा है और इसका कलर देखें थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा हो रहा है। ये शेरू को इधर बंद कर दिया है, नाला को बराबर वाले केज में बंद कर दिया है और दूसरी तरफ शनाया का भी कुछ ऐसा ही हाल है, वो सामने बैठी हुई है। नाइट रूम के अंदर उसको बंद किया है ताकि जू कीपर्स अंदर जाएं और केज की सफाई करें। तो बस अभी जो है वो बाकी सफाई के काम चालू हो चुके हैं, जू कीपर्स आएंगे, इनके ताले भी ये खोल दिए गए हैं तो ये ताले खुलेंगे और जू कीपर्स अंदर जाएंगे और इनकी पूरी सफाई करेंगे। शेरों के पिंजरे की होने वाली है अभी सफाई, तो हमारे जू कीपर्स रेडी हैं और शेरों को उनके नाइट रूम्स के अंदर बंद कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम पेट लवर्स, तमाम दोस्तों, तमाम वीडियो देखने वाले, कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। उम्मीद है आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। इसके शुरू करते हैं आज का व्लॉग इस दुआ के साथ कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है हम सबका। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ हमारी वाटर बर्ड एवेरी के पास, जिसके अंदर सारे पानी वाले परिंदे हैं और मेरे इसके अंदर से कुछ फेवरेट परिंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल यहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट की गई है। अब ये जो सामने पिंक कलर के जो परिंदे नज़र आ रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं फ्लेमिंगोस। ये भी बहुत ज़्यादा शाये होकर वहाँ कोने में चले गए और कूंजे बिल्कुल सामने सामने नज़र आ रही हैं। ये सारे अभी पानी से बाहर निकल के अपने आप को साफ कर रहे हैं, फिर ये दोपहर में पानी के अंदर आ जाएंगे और ये यहाँ पर अभी दाने डलने का टाइम हो गया तो इस वजह से यहाँ खड़े हैं। ये क्रेन्स इन्हें कहते हैं, सबसे पहले ये खाना खाती हैं, इसके बाद ये दूसरों को खाने देती हैं। और एक चीज़ जो आज सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि आज फिर से हमारी जो डक की जो बड़ी वाली जो डक है उसकी जो फीमेल है वो अंडों से उठ के अपने आप को साफ़ सफाई कर रही है। आई होप कि वेरी सून जो है उसके अंडे जो हैच हो जाए। मैं आपको अभी जूम करके दिखाता हूँ, बिल्कुल पीछे है जो सामने खड़ा हुआ है ना, ये मेल है, बिल्कुल इसके पीछे जो अपने पर साफ कर रही है ना वो है फीमेल, और इसके नीचे जो घास नज़र आ रही है इसके बीच में इसने अंडे दिए हुए। अरे 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 अरे, वालेकुम सलाम बख्श भाई, कैसे हैं आप प्यारे भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत से करम है। आज तो बड़ा मोहब्बत जता रहे, लगता है कमेंट्स बड़े आने शुरू हो गए आपके लिए। देखें कल कमेंट्स भी आए हैं, लेकिन आपकी जाहिर हमारी एक मोहब्बत है यार, आपके बगैर ये व्लॉग इनकम्प्लीट है भाई। हो आप हमारे भाई, वो तो बिल्कुल भाई हैं, और जिन भाइयों ने कमेंट्स भी किए हैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया भाई, आप हमें इतनी मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं और हम आपके साथ तभी चल रहे हैं। कभी मोहब्बत जब मिलती है तो इंसान जो है ना वो फिर उस पर दिलचस्पी लेता है काम के लिए। अच्छा आप सबसे आज आपने सुबह सुबह आके ये चीज़ देखी है, मैं जैसे 7 बजे पहुंचा था कि मैंने ये देखा कि भाई ये फ्लेमिंगो जो है ना खुश्की पे आज जो है ना सारी की सारी खुश्की में खड़ी हुई है भाई। अभी मैं भी यही बात कर रहा था कि वैसे ये इस टाइम के ऊपर यहाँ पर होती हैं लेकिन आज ये खुश्की पर चली गई हैं। मैं आपको एक फैक्ट बात बताऊँ, ये जो जानवर होते हैं ना इनको कुछ ना कुछ चीज़ें पहले से पता होती है। बख्श भाई मुझे पता नहीं क्यों शक है आज बारिश होने वाली है। इंशाल्लाह देखें, जैसे कि आप मौसम देख सकते हैं कि बादल अभी जो है ना आना शुरू पूरा ये डाउट हो रहा है। हालांकि आसमान साफ है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे डाउट है क्योंकि जानवरों का जो बिहेवियर है ना वो चेंज हो जाता है और इनको पहले से चीज़ें पता चल जाती है। ये तो देखें कुदरत का निज़ाम है, जैसे कछुए को पता चल जाता है कि अभी ये जो है ना इतने दिनों के बाद बारिश होनी है तो वो अंडे दे देता है। बिल्कुल सही बात है, एक निजाम है। बस को पता चल जाता है कि जिम्मी ने मोबाइल खोल लिया है। हाँ। कुछ हो सकती है ना, चीजें होती है ऐसी यार। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसा ही ना, जब तक कुछ ऐसा नहीं होगा तो वैसा कैसे होगा फिर भाईजान? आज खैर तो है, ऐसे आके मेरे पास सिपाहियों की तरह खड़े हो गए, सब ठीक ठाक है। पहले आपको सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जिम्मी भाई, आपको आज इतनी खुशखबरी देने वाले है ना कि आप कभी सोचा नहीं होगा आपने। भाई ऐसा क्या करने वाले हो, ऐसा क्या करने वाले हो, मुझे कह रहे हैं आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, इतनी खुशखबरी दे रहे हैं, ये चीज समझ नहीं आ रही। बख्श भाई क्या कहना क्या चाह रहे हो? अच्छा ये छोटे मियां और बड़े मियां देखो भाई, क्या मसला हुआ, क्या ऐसी नाम भी बताओ उसका ना, क्या खुशखबरी, क्या खुशखबरी देने वाले हो भाई? क्या शादी आबादियाँ हो गई दोनों की एक साथ, क्या मसला है?
क्या खुशखबरी है, क्या है? हम जहाँ गए थे ना वहाँ तो अंडे ऐसे ऐसे हिले। कहाँ गए थे? अच्छा, बत्तखों के जो अंडे हैं वो ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। तो क्या होने वाला है आज, बच्चे निकलने वाले? हाँ जी। कितने अंडे हिल रहे हैं? इतने निकलने गए, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। है, क्या बात कर रहे हो, वाकई में? जी जी, बत्तख के बच्चे निकलेंगे, आप हमें क्या दोगे ये तो बताओ। क्या चाहिए भाई जान, एक काम करते हैं, ये कह रहे हैं कि आज इतने, एक काम करते हैं, मैं भी चेक करने भी नहीं जा रहा हूँ, मैंने तुम लोगों पे छोड़ा, सही है? 4 बजे तक का टाइम है दोपहर के, जब तक मैं यहाँ पे हूँ 4 बजे मुझे आज जाना है। 4 बजे तक जितने बच्चे निकलेंगे ना, फी बच्चा 10 रुपए इनाम। सीरियसली क्या ख्याल है जी भाई? आपने तो पीछे खरगोश के 100 रुपए भी दी थे, वो ये कैसे देंगे 10 रुपए आपको? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है आप मुझे। नहीं नहीं, देंगे यार, ये बात तो है, मैं इसके 100 रुपए में भूल गया हूँ, खरगोश के बच्चे की। इसने मुझे कहा था कि बच्चे होंगे तो मुझे 100 रुपए देना। अते आप बड़ी बड़ी करते हैं, 10 रुपए आप दे नहीं सकते हैं 100? अरे यार अली बख्श भाई, ये देखे यार, ये मेरे ऊपर, मेरे ऊपर तुम नहीं करो मेरे साथ। मुझे यार बख्श भाई 10 रुपए जरा उधार दे यार, 10 रुपए यार ये ले यार, एडवांस दे रहा हूँ बत्तख के बच्चों का एडवांस, ठीक है भाई? हम भी एक बच्चा दे रहे हैं। अच्छा निकला है? यस। अरे तभी इतने खुश हो के उछलते हैं मेरे पास आयो, और बाकी अंडे हिल रहे हैं क्या? हाँ। चलो चलो ये दिखाओ, ये अभी अभी निकला है? जी जी। अच्छा तुम लोग दाने डालने गए हो? अरे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है अभी फ्रेश फ्रेश अंडे से निकले हैं। मुझे ना आप 4 बजे से पहले बताओगे कितने बच्चे निकले, और फी बच्चा 10 रुपए के हिसाब से मेरे से हिसाब करके ले आना आप लोगों का गिफ्ट, ठीक है भाई? ये मोहब्बत, आप अमीर हो जाओगे आज, आज देखता हूँ कितने बच्चे निकाल दो। 3 बच्चे और वो आ गए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, 30 रुपए तो हो गए तुम्हारे, उठाओ उठाओ, उसको उठाने दे रही है बच्चे, यहाँ तो नहीं छोड़ सकते, बाकी मल न, ये अंडे टूटे हुए पड़े हुए, ये अंडे टूटे हुए पड़े हुए, कल के 2, ये 3, ये बच्चे और आ गए, तो और भी निकलेंगे भाई आज, सही कह रहे। अभी निकलने वाला है अंडे में से, अभी हमने देखा है। निकालो निकालो उसको तो निकालो, बाकी फिर जमा कर करके लाते रहना। तो दोस्तों आज देखेंगे कि कितने बच्चे जो है वो जमा होते हैं। उठाने दे रही है बच्चे, नहीं सकते, मार तो बहुत रही है। उठा अली बेटा, आराम से, हल्के हाथों से, आराम से, ऐसे नहीं डराओ नहीं भाई, कुछ नहीं करेगी यार अली, हाथ डाल के तुम उसको निकालो, कुछ भी नहीं करेगी, बता के यार। मैं निकालता हूँ, ये लो पकड़ो मोबाइल, पकड़ो मैं निकालता हूँ, ये लो, ये पकड़ो। ये 2 बच्चे और आ गए। हाँ वेरी गुड अली, अपने कुर्ते के अंदर आपने रख लिया बिल्कुल। और है नहीं है? हाँ। और अंडे बहुत टूटे हुए हैं, तो रही है लेकिन इसके कुछ लगता नहीं है, इसको ज्यादा तंग नहीं करते हैं यार, इसको बैठने दो अंडों पे। और अली आज आपकी ड्यूटी यहीं पर ही है, बच्चे निकलते जाएंगे आप मुझे बताते जाओगे, ठीक है? डन हो गया अब्दुल्ला, और आप जो है ना मेरे साथ चलो, जरा पेटिंग रूम में जगह रेडी करते हैं, कुछ भी हो जाए, हमें 10-10 रुपए मिलने चाहिए, हमें इनको मिलना। भाई जान मैंने बात की थी 10 रुपए की, 10-10 रुपए की नहीं, 10 रुपए दूंगा, 5-5 रुपए दोनों बांट लेना, ठीक है? नहीं, एक बच्चे के 10 रुपए है, वरना हम बच्चे नहीं देंगे। आपने बोला था फी बच्चा 10 रुपए, तो फी बच्चा 10 रुपए ही दूंगा ना, फी बंदा 10 रुपए थोड़ी बोला था। अब एक बच्चा, 3 बच्चे निकले ना, 30 रुपए दे रहा हूँ, 15-15 रुपए बांटो। वो तो हम ऐसे करेंगे, 50-50 कर लोगे ना? हाँ। अली भाई आप क्यों इतना सोच रहे हो यार? नहीं नहीं सही है भाई, जैसे आपकी मर्जी। जिमी भाई आप 10 रुपए दे दो, वो बड़ी बात है, आपने पिछली व्लॉग में बोला था कि भाई यार ये कोई इतने ताने दे रहा है, इतने ताने दे रहा है। अली भाई मत कराओ व्लॉग में बेइज्जती यार इतनी। यार जिमी भाई अच्छा बन रहा है, ये बातें तब किया करो जब कैमरा बंद हो, समझो बात को, समझ गए? हाँ मैं समझ गया, ये तो बता 10 रुपए दोगे ना? अरे यार फिर वही बात कर अब्दुल्ला यार, इनको समझाओ यार, सिंधी पे क्या कहते हैं बाबा, इनके जरा समझाए, जरा माड़ू के समझाए समझाए यार, छाती हो बहुत सारे हैच हो गए। और अभी क्या करना है कि क्योंकि हमारे पास जो डब्बा था उसका पार्टीशन बनाना है, तो अली भाई और अब्दुल्ला भाई जो है वो जा रहे हैं पत्थर लेने के लिए, और पत्थर से बनाएंगे पार्टीशन। अरे आई एक नन्नी परी, तो भाइयों आज की बिस्मिल्लाह हो गई है 3 बच्चों से। यार ये बहुत छोटे हैं, मुझे डर लग रहा है कि इनको कोई गड़बड़ ना हो जाए, इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो सफाई शफाई कर रहे हो, ये बड़े बच्चे जो है वो, जो छोटे बच्चे हम ले आए ना ये इनको मार रहे हैं, ये जो कल जो हमने 2 निकाले थे। अच्छा कल वाले बच्चे देखिए माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल ऐसे हो गए जबरदस्त। एक मिनट दिखाना, ये देखें ये आज वाले बच्चे हैं,
और ये कल वाले एक ही दिन के अंदर ये कितने गोल गप्पे हो गए और इनके फर वर देखे कितने प्यारे हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसको तो अभी वक्ती तौर पर यहाँ रखो और इसकी सफाई सफाई करो। कैसे कल भी मैंने कहा था कि इसके अंदर जो ना हमें ब्लॉक लगाना है, हाँ तो ब्लॉक लगा दो क्योंकि छोटे बच्चे हम इधर करेंगे, बड़े बच्चे इधर करेंगे ताकि बड़े बच्चे उसको ना मारे। और पहले भी भाई यहाँ से ना बतख के बच्चे सब उठा उठा के लेके गए, अब इस बार किसी को भी नहीं देना। इस बार मैं गांव जा रहा हूँ, मुझे एक देना। नहीं नहीं भाई कोई जरूरत नहीं, अभी पत्थर लगाओ इधर, मैं सबको बतख के बच्चे बांटता रहूंगा कि आप वो पत्थर लगाओ। इससे बिल्कुल एक दीवार खड़ी करेंगे ताकि ये जो बड़े बच्चे हैं ये उनको ना मारे, और ये जैसे ही थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उनको हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी जगह पे, छोटे बच्चों को ले आएंगे इधर। इसी तरीके से हमारा साइकिल ये काम हो गया ना बेहतरीन। अब वो जो कल वाले जो दो बच्चे थे वो छोड़े और आज वाले छोड़े, और इनको बारीक बारीक लूसन काट के फीट काट के पानी का बर्तन रख दें, थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर उनको स्विमिंग भी कराएंगे। हाँ जी, तो ये आ गए कल वाले बच्चे जो कल निकले थे, और ये आ गए आज वाले जो कि अभी कुछ मिनटों के हैं, यानी मुश्किल से इनको 5 मिनट हुए हैं अभी अंडों से निकले हुए। तो स्कोर पहुंच गया है 5, और ये पुराने बच्चे थे जो कि 13 थे, 13 में से 3 बचे क्योंकि 10 बच्चे ये लोग ले गए अपने अपने घर। और अब देखते हैं आज का क्या स्कोर है। अच्छा ये जो बच्चा है ना इसका क्या इशू है, ये क्या अभी निकला है ना, ये अभी अभी निकला है तो ये इसको नजर रखना यार, ठीक है, जिम्मेदारी आज आप लोगों की। अच्छा मैं यहीं पर ही बैठा हूँ आज, मैं थोड़ा यहाँ पे काम वाम देख रहा हूँ, और आप लोग अगर बच्चे निकलते जाएं तो मेरे पास आते जाइए, ठीक है। कैसे हैं आप सर, मुझे ये बताएं, ये माशाल्लाह से दो बच्चे जो है ना, ये 3 बच्चे अभी निकले हैं, 2 बच्चे कल के अभी अभी निकले हैं। अच्छा अब्दुल्ला और इन सब से ना मेरी बात हो गई, वो कह रहे हैं आज बहुत ज्यादा बच्चे, आपको क्या लगता है आज कितने आएंगे, लगता है आज कितने बच्चे और हो जाएंगे? भाई मुझे तो लगता है आज 4-5 और हो जाएंगे। 4-5 मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जी 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 क्या हुआ, माल लाए हो, बच्चे आए? अरे कितने निकले? 5। 1, 2, 3, 4 और 5। और भाई ये तो थोड़े से फ्रेश लगे ना, मतलब ये तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, काफी देर के निकले होंगे। वो सही थे ना, हमने बतख को हटाई है तब निकले हैं यहाँ के, ये पहले से निकले हुए थे तो हम वो बतख निकालने नहीं दे रही होगी। नहीं निकाल, चलो 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 इसको भी डालो, इसको भी डालो, जबरदस्त भाई माशाल्लाह। कितने हो गए? 10। 3 और 2 5, और ये अभी कितने लाए हो? 5 और 10 हो गए टोटल। बिल्लू भाई आपने जो स्कोर किया था वो तो हो गया भाई, आपने कहा था 4-5 और निकलेंगे, और पता नहीं अभी निकलते नहीं निकलते हैं, देखते हैं। मुझे तो अभी लग रहा है कि माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जो है ना बतखों के नीचे बैठे हमने देखा नहीं, तो अभी बतखों को हटाया है ना फिर नजर आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे निकल रहे हैं अली भाई, जबरदस्त यार। बहुत जल्दी जल्दी नहीं लेकर आ रहे हो आप लोग, मुझे मुझे एक बात बताओ, खरीद के तो नहीं ला रहे हो बाहर से? नहीं, हाँ जिम्मी भाई 10 रुपए की खातिर क्या बाहर से खरीद के ले आएंगे, और क्या क्या भरोसा आपको भी पता है बतख का बच्चा कितना महंगा है। ये बात तो है, खैर हमारे पास तो मस्कूबी डक के बच्चे, कॉमन के बच्चे नहीं है, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे पता है। आ जाओ जरा इनको भी रखें, और अब स्कोर देखते हैं कि कहाँ पर पहुँच गया। तो अनएक्सपेक्टेड है, ये अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए क्योंकि इतने कितने हो गए, 10 पहले थे, अभी कितने लाए हो? 4, तो अब हो गए हैं 14। अच्छा इसके अंदर देखें आपको, क्योंकि कुछ जल्दी निकले हैं कुछ देर से निकले हैं, तो जो बच्चे आपको इस तरह के नजर आएंगे ना, जो ऐसे बीच में बैठे हुए जैसे ये देखें, ये चंद मिनटों के होंगे, या जो थोड़े से बड़े आपको लगेंगे वो कुछ देर के होंगे, आधे एक घंटे के, जैसे ये देखें, इनके परों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा बच्चा कितनी एज का। डकलिंग्स तो हमारे पास बिंदास आने वाले हैं दोस्तों, 3-4 दिन पहले मैं आप सबसे कह भी रहा था कि इंशाल्लाह जितनी हमारी डक्स ने अंडे दिए हैं वो तो 100 से भी ज्यादा हैं, और आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि कितने सारे अंडे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मस्कूबी डक्स के जो बच्चे वो हैच होना स्टार्ट हो गए, जब तक और बच्चे आ रहे हैं वो गए हैं अभी पिंजरे की सफाई करने के लिए। तब तक रैबिट्स की आपको अपडेट देता हूँ कि रैबिट ने क्या किया है कि अब टनल से, क्योंकि बारिशों का मौसम है तो उन्होंने टनल छोड़ दिए, और टनल से हटकर ये इस डब्बे के अंदर रहने शुरू हो गए, और इस डब्बे के अंदर अब ये ज़्यादातर वक्त गुजार रहे हैं, क्योंकि डब्बा लगाया इसलिए ताकि बारिश वगैरह हो तो पानी अंदर ना जाए। अब जाके खरगोश भी माशाल्लाह सारे सेट हो गए, पहले आपस में बहुत लड़ा करते थे, अब क्या हुआ? 10 रुपए क्या अब क्या अब क्या हुआ? फिर 2 बच्चे निकले, 10 है, 10 बच्चे, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह 10 बच्चे, 10 रुपए। अबे भाई आज तो बड़ा नुकसान होने वाला है, ये इतने सारे बच्चे कहाँ से कैसे निकल रहे हैं? बतख के नीचे बैठे थे वो उठ ही नहीं रही थी, हमने जबरदस्ती उसको उठाया, मिनते की और मेरी माँ उठ जा हमें बच्चे लेने दे। अच्छा 10 रुपए का सवाल है, उठ जा उठ जा। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और
कितने घंटे, अभी तक मैंने 1 बज रहा है और 1 बजे के करीब करीब मैंने इनको 4 बजे तक का टाइम दिया था और 1:15 हो रहा होगा अभी। और अभी कितने हो गए हमारे पास टोटल? 14 अच्छा ये देखो एक साथ हो गए बैठ गए, इससे पहले हमने अलग अलग 14 ये आ गए और 10 ये, ओ मैं 24 हो गए। अरे 2 दर्जन बच्चे हो गए भाई हमारे पास बतख के और 3 पुराने यानी 25 26 27 बेबीज ऑफ डकलिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आए चूहे। अभी पहला जो क्लच है चूहे इतना बड़ा, ये देख ओ ये बड़े माशाल्लाह, कितने सारे भाई बेचने नहीं है मुझे इस तरीके से ताने नहीं दो भाई। अबे जितने हो गए अभी हिसाब कर लो, अभी तो हुए हैं 24, तो क्या हिसाब करना है? आप सारे एक साथ जमा करके ले आए ना, अभी और अंडे पड़े ना। नहीं नहीं भाई, आप हमें भरोसा नहीं आपके, आप क्या पता मुकर जाए। अरे ब्लॉग में कैसे मुकर भाई? अली भाई आपको मेरे पर 10 रुपए का भरोसा नहीं है? नहीं यार मुझे आपको तो है ना 10 रुपए का, आपको मेरे पर 10 रुपए का भी भरोसा नहीं है? नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है। अरे यार अली यार। अब देख लें, आप लोग इसको कहते थे शरीफ है, इतना मासूम सा है अली, देख ली रियलिटी, 10 रुपए का मेरे पर इसको भरोसा नहीं है अली भाई, यही बात है ना। कितने हो गए? 240 रुपए हो गए। हाँ। खाते में लिखे आप, करते हैं साहब इसका बाद में। खाते में मेरी कौन सा करेंगे यार, सैलरी वैलरी के साथ कर लेंगे भाई, 240 ही तो है, कोई मैं भाग थोड़ी रहा हूँ। नहीं नहीं पेमेंट चाहिए आज, नगद बोला था, हम बाजार लगाएंगे 50 का 1 बच्चा। ओ भाई ओ है, मेरे बतख के बच्चे नहीं बेच देना भाई। एक काम करें, अभी तो टाइम बाकी है ना, तो मैं जा तो नहीं रहा, अभी मैं यही हूँ, अभी डेड हुआ है यार, आपको पता है 4 बजे तक हम आपसे पहले लेंगे। काम करते हैं कर लेते हैं हिसाब किताब इनसे भाई। भाई अब रह गए 40 रुपए, 40 रुपए का हिसाब करेंगे शाम। जितने आज जितने में अंडे ना, 100 के 100 फट पड़े यार। अरे यार यार तुम लोग तो बख्श से भी 2 कदम आगे निकले हो यार। सारे बच्चे निकले, ये ओवर एक्टिंग कर रहा है ये अली, क्या लगता है यार ये ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा? चले अल्लाह करे भाई, आप लोग भी कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लग रहा है माशाल्लाह। और बिल्लू भाई भी हमारे वीडियोस बना रहे हैं, ये जो ना यहाँ से वीडियो बना के घर पे भेजते हैं, फिर भाभी कहती है ले आओ ये, यहाँ से बतख के बच्चे उठा के ले जाते हैं। तो पिछले ऐसे ही है ना, पिछली दफा भी मेरे तो बराए कह रहा हूँ आप स्टोरीज पे ना डाले, फिर मेरे से नहीं 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 भाई, अब मैं किसी को भी नहीं दूंगा, पहले भी मेरे बतख के बच्चे जो है यहाँ से निकल गए भाई, ऐसे नहीं। नहीं नहीं एक नहीं, एक नहीं भाई, हम पूरी 100 कम्प्लीट करेंगे, 100 के बाद फिर बांटेंगे हम, 100 बतख हमें वापस अपनी करनी है इंशाल्लाह। एक बतख का बच्चा है जो अंडे से निकला था और मतलब 3-4 घंटे हो गए इसका, तो देखें फर भी सूख गया है, लेकिन ये जो है ना उठ नहीं पा रहा है, ये अंडे से बिल्कुल ऐसे ही निकला था, उसके बाद से ना ऐसा लग रहा है जैसे इसकी जो गर्दन नहीं है वो खराब है। बाकी तो सेट हो गए, ये देखें बाकी सारे एक जैसे लगने लग गए क्योंकि सूख गए। हाँ सेट है, सेट है, सेट है, आराम से मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बच्चा है ना हम वापसी वहाँ 1-2 घंटे के लिए छोड़ यार। वहाँ पर मसला ये आ रहा है कि वहाँ पे जो बड़ी बत्तखें हैं इनके अंदर एक बड़ी बुरी आदत है, ये इनको ऐसे 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 करके मार देती है, यानी उसकी माँ के जो परों के नीचे से अगर ये निकलते हैं तो बड़ी, हमने पहले भी इस तरीके से नुकसान गवाया, तो भाई सॉरी यार यहीं पर आप बैठ के इसका जो ध्यान रखना रखें, अभी डॉक्टर साहब आएंगे उसको इससे चेक कराएं, ठीक है? इन दो बच्चों को हमने अलग कर लिया है क्योंकि ये 2 वो बच्चे हैं जो अंडे से तो निकले तो ज़रूर हैं लेकिन काफ़ी वीक हैं और ऐसा लग रहा है जैसे इनको कोई परेशानी है, ये बिल्कुल सीधा नहीं हो रहा और दोपहर हो गई है बिल्कुल भी सीधा नहीं हो रहा, बाकी बच्चे तो फिट फाट हो गए हैं बिल्कुल, ओके एक साथ होके बैठे हुए हैं, लेकिन ये इनको स्पेशल केयर के लिए हम अलग से पिंजरे में रख रहे हैं ताकि दूसरे बच्चे इनको परेशान ना करें। इनको ब्रूडर की नीड होगी, एक अच्छे टेम्परेचर की नीड होगी, तो उसके लिए हम इनको रात को ब्रूडर में रख दिया करेंगे और सुबह इधर रख दिया करेंगे क्योंकि डे टाइम में काफ़ी गर्मी होती है, और ये इंशाल्लाह कुछ घंटों के अंदर या रात तक या कल सुबह तक खाना पीना स्टार्ट कर देंगे। खाने में हम इनको देंगे सॉफ्ट डाइट, जैसे कि हम लूसन के पत्ते वगैरह बारीक चॉप करके और इनकी जो फीड आती है उसको पाउडर करके देंगे, इस तरह की चीज़ों से ख्याल रखेंगे। तो अभी हमारे टीम मेंबर पानी के बर्तन हाँ बिल्कुल चूरा चूरा करके ये फीड देंगे। हाँ वेरी गुड, तो ये वाली फीड अच्छा, लोग अक्सर बतख के बच्चे पालते हैं उनसे मर जाते हैं, तो भाई पहला तो उनके टेम्परेचर का ख्याल रखें, उनको शुरू में जो है वो ब्रूडिंग की नीड होती है यानी कि थोड़ी सी गर्मी चाहिए होती है, तो क्योंकि बच्चों की जो माँ होती है वो भी इनको अपने परों के अंदर रखती है, तो इनको ऐसे ना छोड़ा करें। दूसरा खाने के अंदर जो है ना
ये वाली जो फीड आती है ना बाहर मार्केट में मिल जाती है चूजों की फीड, उसको और चूरा करके आप इनको ऐसे दें और कोशिश करें थोड़ा सा पानी उनके पास रखें ताकि वो पानी और इसको मिक्स करके खाएं। ये ऐसे बारीक बारीक पत्ते जो है वो निकाले जा रहे हैं, इन पत्तों को जो है अंदर डाला जाएगा, उसको और बारीक किया जाएगा, इसके बाद अंदर डालेंगे। तो इंशाल्लाह कल आपको अपडेट मिलेगी कि ये कैसा खा पी रहे हैं, और व्लॉग के अंदर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी हमने अलग कर दिया है बच्चों को, जो है हमने थोड़ी थोड़ी सी फीड डाल दी है और इन्होंने खाना भी शुरू कर रहे हैं, ये खा रहे हैं क्योंकि ये कल रात से निकले हुए होंगे दोस्तों, तो ये अब थोड़े कुछ घंटों के हो गए हैं तो अब इनको भूख लगेगी और ये खाना पीना शुरू कर देंगे। पानी के छोटे बर्तन रख दिए हैं, ये बड़ा बर्तन मैं हटवा रहा हूँ, छोटे बर्तन के अंदर फिलहाल पानी देंगे और बड़े वाले जो ढके हैं वहाँ पर ठीक है। आज बहुत सारे जो है वो हमें काम है, और अब क्योंकि दोपहर हो गई है, गर्मी ज़्यादा हो गई है, मुझे आज कहीं पर जाना भी है बहुत जल्दी, और कुछ दिनों के अंदर आप लोगों के लिए बहुत नए नए सरप्राइजेज आ रहे हैं, कुछ बड़ी न्यूज़ भी आपसे शेयर करनी है इंशाल्लाह, तो सारी चीज़ें होंगी लेकिन उसके अंदर आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। तो अगर अब तक आप हमारा व्लॉग देख रहे हैं तो मतलब आप प्योरली भाई से प्यार करने वालों में से एक हैं, और जल्दी से इस वीडियो को अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे, फेसबुक के स्टोरी पे और हर जगह पे शेयर करें जो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ताकि आप जैसे पेट लवर्स मुझे और मिल सकें। तो भाई को सपोर्ट करें, 50,000 सब्सक्राइबर होने पर इंशाल्लाह क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पूरा रखेंगे जिसके अंदर आपके सारे सवाल के जवाब भी मिल जाएंगे। तो और मैं एक और मेरा चैनल है यूट्यूब पे जो मेरी फैमिली का है, उसके अंदर ये कि हम जहाँ भी ट्रैवल करते हैं या कुछ रील्स वगैरह हम बनाते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो वो मैंने अलग से चैनल बनाया हुआ है, ये सिर्फ एनिमल्स रिलेटेड चैनल है और वो फैमिली का चैनल है। तो अगर आप ट्रैवलिंग और इस तरह के फनी व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ पे जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।